गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो यूपी ट्रिपल एससी से आपका जो कंबाइंड टेक्निकल का एग्ज़ाम आपका अगस्त में दोस्तों प्रस्तावित है, उसके संबंध में दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों ये वीडियो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है, जिससे कि दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो कंबाइंड टेक्निकल नोटिफिकेशन नंबर 23/2016, सबसे पहली बात तो इसमें जो आवेदनों की संख्या है वो 52,000 के समथिंग है, और आप सभी जानते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है, क्योंकि 2016 की परीक्षा है और 2016 की परीक्षा को हुए है दोस्तों इस एग्ज़ाम को, क्योंकि चूँकि अब एग्ज़ाम अब हो रहा है तो कंपटीशन का जो लेवल है काफ़ी कम आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रेड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड का दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो ट्रेड परीक्षा है इसकी जो प्लेलिस्ट है, यानी कि कंबाइंड टेक्निकल की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों मैंने बना दी है ना। आप जो हमारा चैनल है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो कंबाइंड टेक्निकल की प्लेलिस्ट में जाकर आप दोस्तों वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि इसकी बेस्ट बुक कौन सी है ट्रेड वाली, एलिजिबिलिटी क्या है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और सेफ स्कोर ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, और रीजनिंग का लेवल कैसा रहेगा, और जो डेली क्लासेस है वो स्टार्ट कब से होंगी, और क्या ये शेड्यूल है दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लगा के अंत तक दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी आप सभी के लिए पूछी जाती है, तो हिंदी की बेस्ट बुक मार्केट में आप सभी के लिए अवेलेबल हो गई है दोस्तों। ये बुक है आपकी चक्षु प्रकाशन की। जी हाँ, इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस बुक में सारे जो पॉइंट जो सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल बार पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों इस बुक में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बुक में 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, कि व्याख्या हल सहित दी हुई है, और सबसे जरूरी चीज़ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये बुक आपकी बनाई गई है, और आपका जो नज़दीकी बुक सेलर है दोस्तों वहाँ पर जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ पर भी जाकर आप दोस्तों इस बुक को खरीद सकते हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है, मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि हिंदी भाषा का विकास है, यानी कि जो भी चैप्टर दिए गए हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। जैसे हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है, मतलब बिल्कुल डिटेल बार पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी आती है तो दोस्तों आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर आप दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो बेस्ट बुक है वो कहाँ मिलेगी, मतलब जो ट्रेड वाली बुक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के एग्ज़ाम होंगे और सेम डे होंगे। अगर आपने दो ट्रेड के लिए अप्लाई किया है या तीन ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, यदि आपकी समान योग्यता होगी, ठीक है, और समान सिलेबस होगा तो दोस्तों आपको मौका मिलेगा, नहीं तो वरना आपको केवल एक ही ट्रेड का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों देना पड़ेगा, क्योंकि ओनली ए सिंगल डे यानी कि एक दिन में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा सभी ट्रेड का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में इसकी बेस्ट बुक जो है ट्रेड बुक कौन सी है ना। तो दोस्तों इसकी यानी कि कंबाइंड टेक्निकल के नाम से कोई भी जो बेस्ट बुक या बुक की बात कर रहा हूँ मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए, पूरा बुक जो स्टॉल होते हैं वहाँ पर छान लीजिए, कहीं पर भी आपको इसकी बेस्ट बुक या कंबाइंड टेक्निकल की बुक आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर यदि किसी को के पास है तो आप मुझे उसकी जो उसको शेयर करना है ना। तो इसलिए बुक नहीं मिलेगी आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को आपको नोट करना पड़ेगा, और सिलेबस को नोट करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट आपको उसको टॉपिक वाइज गूगल से, यूट्यूब से, विकिपीडिया से, मतलब वो जो जानकारी है आप सभी को नोट्स बनाने पड़ेंगे, जुटानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये देखने के लिए मिल रही है कि जो एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है। कई सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए, फ़ोन्स आए, मैसेज आए हैं ना, तो मतलब उन्होंने क्या काम किया कि वो एलिजिबिलिटी उनके पास है नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे एक पावर लूम है, इसमें पावर हैंड लूम
है ना, उसमें दो वैकेंसी हैं, तो उसमें डिप्लोमा मांगा गया था आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस से, मैकेनिकल। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या फॉर्म भर दिया उस समय, लेकिन एलिजिबिलिटी उन्होंने सोचा बाद में, क्योंकि मैकेनिकल प्रोडक्शन भी होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मांगा है मैकेनिकल मेंटेनेंस, कहने का मतलब है। अच्छा एक और बात, जैसे फार्मासिस्ट की बात करें, तो यदि किसी ने फार्मासिस्ट, ये क्वेश्चन मेरे पास आए हैं इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी के बीच डिस्कस करना चाहूँ। देखिए अगर डिप्लोमा मांगा है तो वहाँ पर केवल डिप्लोमा ही काम करेगा, डिग्री वहाँ पर काम नहीं करेगी, है ना। अगर डिग्री और डिप्लोमा दोनों लिखा होता तब वहाँ पर दोस्तों ये उस कंडीशन में काम करता, लेकिन अगर डिप्लोमा लिखा हुआ है तो डिप्लोमा ही दोस्तों आपका चलेगा। अगर आपने फार्मासिस्ट का डिग्री कर रखी है तो डिग्री दोस्तों इस वैकेंसी में अवेलेबल या नहीं चलेगी, कहने का मतलब है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी को पहले ही अपना क्राइटेरिया को उसको समझ लें, जो आपकी एलिजिबिलिटी अगर सही है तभी आप दोस्तों इसका एग्ज़ाम दें, अन्यथा आपने देखा होगा जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था कंबाइंड टेक्निकल का, उसमें सीटें इसी चक्कर में दोस्तों खाली चली गई, क्योंकि उस तरह की जो योग्यता है, बच्चों ने फार्म तो भर दिया, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो उसको साबित नहीं कर पाए। तीसरी चीज़, नोट्स क्या है आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। अब जैसे नॉन टेक्निकल वाला पार्ट्स है तो वो तो मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा, और जो ट्रेड हैं, कुछ ट्रेड हैं जिनके नोट्स मैं खुद बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कराऊँगा, है ना। तो नोट्स बनाने पड़ेंगे आप सभी को, और अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेफ स्कोर है ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड ही निर्भर करेगी आपका सिलेक्शन, क्योंकि बाकी चीज़ तो आपकी कॉमन है ना। तो ट्रेड में यदि आपके 60 में से 30 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, 60 में से 30 क्वेश्चन भी आपके सही हो जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर का है। दूसरी चीज़, जो रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और अच्छे लेवल की रीजनिंग यहाँ पर आएगी, क्योंकि UP SSC अब पुराने पैटर्न पर काम नहीं करता है, UP SSC पुराने पैटर्न पर काम नहीं करता है, और नए पैटर्न के अनुसार जो टाइम टेकन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप वाले चैप्टर होंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन जो दोस्तों आप सभी के एग्जामों में UP SSC अब पूछ रहा है। और अब जो डेली क्लास है दोस्तों वो यूट्यूब पर आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगी, इसलिए प्लीज़ उसमें एक ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए, और सेलेक्ट जो बच्चा ज्वाइन करेगा केवल उसी को दोस्तों वो क्लास यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें दोस्तों पूछिए, मैं आपके सभी डाउट दोस्तों क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ख़ासकर अपनी जो एलिजिबिलिटी है एक बार फॉर्म में ज़रूर चेक कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।